हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम डी सदा इक्यानवे अट्ठाईस। तो आज 18 फरवरी मैथ का जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट पाली में, तो मेरे पास डी है, सेट डी है। तो एक से लेके 100 तक आज हल करेंगे हम। तो इसमें आप मान लीजिए एक का बी है, तो बी क्यों है, कैसे क्यों, तो उसी तरह पूरा हल करूँगा इसको बना करके। तो आप लोग देखते रहिए, मिलाइए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 4/3, तो साइन प्लस कोस थीटा का मान। तो बनाने के लिए स्टार्ट हो जाइए आप। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जबकि दिया है 4/3, तो ये 4 हो गया लंब और आधार हो गया 3। तो ये कर्ण निकालना है। कर्ण जो है ये दोनों भुजा जोड़ करके सबसे बड़ी भुजा कर्ण बनता है। तो चलिए, कर्ण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से लंब और आधार को जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट 4 वर्ग प्लस 3 वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 16 ना 25, 25 का वर्ग जो हो गया 5। तो इस तरह से ये कर्ण निकल गया 5। तो देखिए इस तरह से बन गया अब, है ना। तो अब देखिए यहाँ मिला लीजिए। ये जो क्वेश्चन कहा था कि sin थीटा प्लस cos थीटा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का सूत्र sin थीटा लंब बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण। उसके बाद आगे तो लंब का हो गया 4, लंब का हो गया 4, कर्ण का हो गया 5 प्लस आधार का हो गया 3 और कर्ण का हो गया 5। तो इस तरह से एलसीएम कर लेंगे जैसे कि किए हैं। तो 4 प्लस 3 बराबर 7/5। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा डी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है cos1θ - cos θ बराबर। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी। देखिए ये बी हो गया। आगे क्वेश्चन है 3 का। 3 में है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 × 2πr² तो देखिए यही सेम दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है बी में, आंसर देख सकते हैं। बी में क्या लिखा है, बी में है 2πr θ/360। अगर इसको हम काट देंगे तो कभी आंसर में दिया रहेगा नीचे में 2πr θ/180°। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग मिलाइए अपना कॉपी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है कि sec11/cosec79। तो इसमें किसी एक का मान बदल देंगे, तो उसका इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। ये हो जाएगा 4 का a। जैसे कि हमने ऊपर वाले का मान बदल दिया है sec90 - 11। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन जो है, तो नीचे में जो है सेम रहने दिए। उसके बाद अब sec90 - 11 में से घटाने पर 79 हो जाता है, और नीचे में जो है सो इसको भाग देने पर कितना आएगा, 1 आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन बी का है 6। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है 7। 7 में दिया है कि किसी बेलन का व्यास 28 सेमी एवं उसकी ऊंचाई 20 सेमी, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का व्यास 28 है, तो हो जाएगा 14 सेमी त्रिज्या, यानी r बराबर त्रिज्या, तथा ऊंचाई कितना है, 20 है।
विषद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है तो यहाँ देखिए हमने बना दिया है। यदि त्रिज्या व्यास 28 है तो उसकी आधा त्रिज्या हो जाए और ऊंचाई दिया है यहाँ 20, तो आगे देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr, r प्लस h, 2 × π का मान 22/7, r का मान 14, और r का मान 14 प्लस ऊंचाई 20 हो गया, तो 7 × 7 कितना हो गया 14, और 22 × 44 × 88, 88 × 14 + 20 = 34, 88 × 34 = 2992, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया है, देखिए डी हो जाएगा राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा डी, आप मिलाइए सही से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो आयतन क्या होगा, तो आयतन गोले का आयतन बराबर होता है 4/3πr³, और जबकि आयतन जो है यहाँ त्रिज्या जो है 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी, तो 3 गुनी होने का मतलब क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27, 4/3 आर का मान 3r, तो 9 × 3 = 27, यानी 27 गुना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का विकर्ण बराबर होता है 3√, और घन का विकर्ण कितना दिया है 6√3 बराबर, तो √√ कैंसिल हो गया, √3 तो बच गया 6, यानी ए पूजा बराबर 6 बच गया। यहाँ पूछ रहा है घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब 6a² यानी 6a² घन का आयतन बराबर होता है 6 भुजा² तो 6 गुने, अब भुजा कितना निकला है ए बराबर 6, तो 6 × 6 = 36, 36 × 6 = 216, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा दोस्तों। साथ में है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 288 है और त्रिज्या 14 सेमी है तो इनकी त्रियक ऊंचाई ज्ञात करें। तो त्रियक ऊंचाई क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr l, और जबकि वक्र पृष्ठ दिया है कितना 880, तो 880 बराबर पाई का मान कितना हो गया, ये जो पाई लिखा है तो पाई का मान हो गया 22/7, और r का मान देख लीजिए यहाँ 14 है, × 14, उसके बाद l नहीं मालूम है, यही तो कह रहा है l मैंने त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करे, तो l का मान रह गया। अब यहाँ देखिए 880 बराबर, और इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 × 7 = 14 है ना, 7 × 14 = 22 × 44, तो इस ऊपर वाला गुना हो जाएगा 22 × 44 हो गया इस तरह से, इसको भाग देंगे 880 से, तो 44 × 880 यानी 20 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो गया बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ कहा गया किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4π मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि बराबर होता है 2πr, और परिधि दिया है कितना 4π, तो π कैंसिल, और 2 × 2 = 4, यानी ये r बराबर 2, यानी त्रिज्या कितना हो गया 2 मीटर, यानी इसका b हो जाएगा। 12 नंबर है, 6 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। ये त्रिज्या यानी r बराबर 6 दिया है, और वृत्त की परिमिति बराबर सूत्र होता है r π + 2, तो ये r यानी त्रिज्या 6 दिया है, तो 6π + 2 यानी कोण होगा,
बी होगा, यानी छः जो है बी से गुना हो रहा है ना इतना से, तो ये बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित होता है। तो ये चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू पाए आर, पाए सॉरी गलत हो गया, पाए आर स्क्वायर, पाए आर होता है। तो देखिए थीटा का मान यहाँ दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये 60 डिग्री है, तो लिख देंगे 60 बटे 360 है ना, अगुने पाई का मान 22/7 और यहाँ त्रिज्या दिया है 21, तो 21 लिख देंगे। अब 7 दिया 21, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा, और 6×6=36 है कि नहीं, यहाँ 2 है, 2×3=6 और 3×1=3 तो ये रह गया 22, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। देखिए यही बी हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 14 का देखिए, दो घनों का आयतन का अनुपात 1:7 है, 27 है, 27 है, दिख रहा है क्वेश्चन, यहाँ देखिए दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो दिया गया है कि घन का आयतन दिया है तो घन करना है, इसका घन क्या करेंगे, तो घन ऐसे ना होता है √3 अनुपात, फिर इसका भी √3 और ये है 27, ये भी घन हो गया। उसके बाद इसका तो एक होगा एक अनुपात, और इसका कितना होगा 3×9 और 9×3=27, 1:3 होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, हो जाएगा बी हो जाएगा ए। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेमी है एवं उसकी ऊंचाई 20 सेमी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है ना, 2πr r प्लस h, ये हो गया, इधर भी अनुपात में दे रहे हैं अनुपात 2πrh इस तरह से, पाई पाई कैंसिल हो गया और 2×2 कैंसिल हो गया है ना, फिर आर आर कैंसिल हो गया, बच गया आर प्लस एच, आर तो आर का मान यानी त्रिज्या 80 और प्लस ऊंचाई कितना 20। अब इधर इधर क्या है, तो इधर सिर्फ एच बच गया, तो 20 यानी ऊंचाई, अब 80 या 20 100 बराबर यहाँ कितना है 20, तो ये हो गया 20×5=100, इधर एक रह गया, एक 20×5=100, तो ये क्या रह गया 5×1 यानी 5:1 है, डी में है, कहाँ पर है, डी में है, डी में देख लीजिए, डी है, हाँ डी है, डी में क्या है 5:1। 17 में 70, 80, 50, 50, 50, 30 दो बार, तो यहाँ 50 जो है अधिक बार आया है, तो जो संख्या अधिक बार आए वह संख्या बहुलक कहलाएगा, तो इसका हो जाएगा बी। और 18 का ये नहीं मालूम है इसका क्या होगा, ज़्यादातर उम्मीद है कि डी नहीं सॉरी सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 में, यदि घटना की प्रायिकता, घटना के घटने की प्रायिकता पी हो
तो उनके नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता माइनस एक घटा दिया जाता है ना, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ए। अब बीस में है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक पाँच आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। छछा के 36 होता है ना दो बार फेंकने पर। अच्छा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी ए बराबर नॉट इजकल टू जीरो के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए माइनस बी बाय ए। 22 में देखिए, 22 में है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल है 1/3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, एक मूल तो दिया ही है तो दूसरा मूल जिस तरह से जैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए, देखिए सी बाय ए अब बराबर 1/3 दिया है तो सी का मान कितना है, सी का मान है 3, यहाँ देख सकते हैं, देखिए सी का मान है 3 और ए का मान है 3, तो इस तरह से हो जाएगा 3/3 है ना, 3/3 हो जाएगा अब बराबर में 1/3, तो 3 × 3 एक कट गया, 3 × 3 3 को 1 से गुना कर देंगे तो 3 ही हो जाएगा, इसमें कोण होगा तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर यदि द्विघात समीकरण 9x² है ना प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल हो तो मूल वास्तविक समान है तो k का मान ज्ञात करें, तो इस तरह से बनाना है सूत्र से b² - 4ac, तो b का मान यहाँ देख सकते हैं 6k है तथा 4 × ac है ना, तो 4 × 9 यानी a का मान 9 और c का मान 4 हो गया, इस तरह से देखिए 36 के वर्ग माइनस 144 बराबर 0, 36 के 0 को इधर लाएंगे तो जुट जाएगा तो हो गया 144, अब के स्क्वायर बराबर 144 यानी 36 नीचे आ जाएगा और 144 ऊपर, और के बराबर यानी इसका वर्ग हटाए हैं यानी ये दो हटाने पर जो है ये चला जाएगा रूट के अंदर 144/36 और रूट के अंदर जो रहे तो उसे वर्गमूल किया जाता है 6 × 12 तो 2 आ गया, तो मूल वास्तविक के का मान क्या होगा, एक माइनस में 2 और दूसरा प्लस में 2 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये वाला सी हो गया। यहाँ कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल क्या हो, तो गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, और सी का मान यह है 1 और ए का मान है 4 तो 1/4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो 25 में है, यदि एक्स प्लस 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ समांतर श्रेणी में 0, -4, -8, -12 का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर और डी बराबर a2 - a1 होता है यानी पहले दूसरा पद पहले पद से घटा दीजिए फिर तीसरा पद दूसरा पद से घटा दीजिए, तो -4 है यहाँ पर देख सकते हैं -4 अब -0 बराबर -4 होगा, और उसके बाद है
माइनस आठ माइनस माइनस चार, तो माइनस आठ माइनस माइनस प्लस चार माइनस चार, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी है, हाँ सी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 27 में के, बड़ा नहीं हो रहा है, खैर। समांतर श्रेणी में 14 9 4 -1 -6 का बारहवा पद क्या होगा, तो बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम पद 14 है ना, 14 और 9 में से घटा देंगे तो ये सर्वांतर निकल जाएगा डी, यानी -5। उसके बाद कह रहा है बारहवा पद क्या होगा, तो बारहवा पद होगा 41। कैसे, तो यहाँ देख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस तरह से सूत्र है इसका। तो प्रथम पद 14 प्लस 12 माइनस 1 गुने -5, उसके बाद 14 प्लस 12 में से 11 माइनस 5 14 प्लस माइनस माइनस 11 55 55 में से 14 गया 41, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी, यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है और सर्वांतर यानी डी -4 है, और इसके प्रथम 10 पदों का क्या योगफल ज्ञात करें, तो योगफल बराबर सूत्र एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन बाय टू यानी एन के मान पदों की संख्या 10/2 सूत्र के हिसाब से, टू इंटू ए मैंने प्रथम पद 13 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुने डी का मान हो गया -4। उसके बाद दो पंच 10 5 तेरह दोनों 26 प्लस 9, 10 में से किया 9 -4, तो इस तरह से 5 गुने, यहाँ गुना छुपा हुआ है इसलिए गुना दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए 26 माइनस 9 जो 36, और 5 गुने 26 36 गया तो -10, 10 पंचे 50, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी जिसकी बिंदु, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, वाई अक्ष पर बिंदु किसी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में क्या होगा, तो यहाँ बनाने की कोशिश किया हूँ। वाई अक्ष पर मान लीजिए 0 होता ही है, तो 5 बराबर रूट अंडर वाई माइनस 4 का वर्ग प्लस वाई माइनस 2 का वर्ग, 5 25 बराबर 16 वर्ग प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर बना है। देखते जाइए आप लोग, यहाँ से देखते जाइए, फिर यहाँ देखिए फैक्टराइजेशन किए हैं यानी गुणनखंड, तो एक वाई माइनस 5 और वाई प्लस 1, तो माइनस 1 और 5, तो 5 तो आया नहीं ऑप्शन में, माइनस 1 आया है, शून्यक में से एक शून्यक आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, देख लीजिए यही होगा आंसर। जैसे कि आंसर देखिए नहीं मिल रहा है, तो राइट आंसर यही होगा। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ ये होगा बी होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि वाई अक्ष पर तो 0 ही है और प्लस माइनस का 1, ये होगा बी। यहाँ कह रहा है यदि आर 5,6 यानी एक आर बिंदु है, दूसरा ए बिंदु 6,5 एवं बी में 4,y निम्नलिखित है, मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो वाई का मान ज्ञात करें, तो ये और ये, इसको और इसको, 6 और 4 को इस तरह से है ना, इस तरह से मिलेगा, 5 और वाई को इस तरह से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 प्लस 6 प्लस 4/2 अब बराबर में 5 प्लस y/2, हमें तो वाई का मान निकालना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, चलिए 5 प्लस y/2/6 दिया गया है, तो कोने कोने
गुना करेंगे तो 5 + y बराबर, यानी 1 से गुना हुआ 5 के 5 वाई को वाई बराबर में 6 × 12 हो गया। अब उसके बाद y बराबर एक पक्षांतर करेंगे तो 12 5 इधर आ जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 12 - 5 = 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका देख लीजिए बी में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जिसका है बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु जब भी कहा जाए और यहाँ दिया है 2, P हो तो P का मान ज्ञात करें। तो इसका जो है यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसका जो है इससे मिलेगा, यानी क्या है 6 और 2, 5 और 11। तो 6 और 2 का हो जाएगा 2 यानी ये वाला, और 5 और 11 का हो जाएगा P। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इसका मान यहाँ 2 देते, लेकिन ये 2 देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हमें P का मान निकालना है। तो P का मान निकाले हैं -5 + 11/2 बराबर में P दिए हैं 2, तो पहले से तो 2 उसका तो नहीं निकालना है, इससे कोई मतलब नहीं, P का मान निकालना है। तो आगे देखिए मल्टीप्लाई कर दिए तिर्यक गुना यानी कोना कोनी, तो -5 को 1 से गुना किए यहाँ, उसके बाद 11 को -1 से गुना किए, तो इस तरह से हो जाएगा -5 + 11। उसके बाद है 2 को P से गुना किया तो 2P हो गया। इसको घटाने पर 6 आ गया प्लस का 2P है ना। अब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर मिलेंगे तो 2 नीचे आएगा, जब भी इस तरह से चर और चर संख्या रहता है तो चर संख्या को बराबर में लिया जाता है, और 6 ऊपर चला गया, द्वितीय 6। अब आंसर में देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यह होगा 32 को हो गया सी हो गया क्वेश्चन राइट आंसर। उसके बाद 33 में एक्स अक्ष का समीकरण, तो ये ए हो गया, बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है 34 में sec स्क्वायर 10 - cot² 18 का मान हो जाएगा कितना, 34 का ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिया गया है sec स्क्वायर 10 - cot² 18 का मान क्या हो, तो इसमें से किसी एक का मान बदल देंगे तो sec स्क्वायर 10 - cot 90 - 18, तो sec स्क्वायर 10 ये जो कचू माइनस यहाँ कोट है तो कोट के क्या हो जाएगा 10, यानी ये बदलेगा ना, और 90 में से 80 गया था 10। अब यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 10² θ बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर, इसलिए हम बोले क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 35 में देखिए 35 का ये बना हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1, 0, 5, -2 एवं 8, 2 हो तो इसके केंद्रक होगा, तो ये केंद्रक है, इस तरह से देख सकते हैं आप, ये केंद्रक है इसका एक्स और वाई, तो ये ऊपर में हो जाएगा तो 12/3, 0/3, 4/3, 12, 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4, 0। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी यानी आर 7 सेमी, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी, परिमिति बराबर सूत्र होता है r π + 2, तो r का मान त्रिज्या 7 सेमी दिया है, पाई का मान 22/7 + 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 7 × 7 22 × 22 प्लस इसका इसको है ना एक और 7 को भाग देने पर 7 × 7 = 14। अब देखिए 7 ×
बाईस प्लस चौदह बराबर छत्तीस, सात एकम सात तो रह गया छत्तीस, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है किसी वृत्त पर बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाहर बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, मात्र दो। इस तरह से स्पर्श रेखा मात्र दो ही खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 में है वन प्लस कोट थीटा, तो वन प्लस कोट थीटा का मान हो जाएगा कोस एक थीटा, ये सी हो जाएगा। उनचालीस में देखिए इसका मान हो जाएगा वन, और इसका मान हो जाएगा वन, वन इंटू वन बराबर वन, राइट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, और 40 में टेन थीटा रूट थ्री सेक, देखिए यहाँ कह रहा है टेन थीटा और रूट थ्री है ना, तो टेन थीटा रूट थ्री, टेन थीटा और क्या होता है लंबटा आधार है ना, तो रूट थ्री के नीचे में हम एक मानते हैं ना, तो इसीलिए एक लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। आगे देखिए, तो मतलब कि रह गया ये, यानी कर्ण बच गया, तो कर्ण निकालने के लिए ये सूत्र लागू होता है, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान दिया है ना रूट थ्री और आधार का वन, तो रूट थ्री थ्री प्लस वन, तीन एक चार, और वर्ग करेंगे तो दो हो जाएगा है ना, तो कर्ण का निकल गया दो। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान, तो सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण दो निकला ही है यहाँ पर देख सकते हैं, और आधार का वन है, तो दो एकम दो, यानी दो राइट आंसर हो गया। अब इसमें देखिए डी होगा क्या, हाँ डी है, इसका क्या होगा डी होगा, राइट आंसर डी। 41 में दिया, यदि वृत्त के व्यास के सिरे के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो, तो उसके केंद्र का नियामक क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है 42 में, त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुज एबी और एसी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समांतर बी सी और ए पी बराबर 3 सेमी, पी बी बराबर 2 सेमी, ए क्यू बराबर 6 सेमी और ए क्यू सी एक्स सेमी, तो एक्स का मान, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, तो आप लोग मिला लीजिए क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 42 का बी हो जाएगा। उसके बाद 43 में, दो समृद्ध त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई क्या होगा, तो इसका आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 44 का, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर प्लस क्यू आर है ना, तो त्रिभुज का कोण सा कोण समकोण होगा, तो 44 का हो जाएगा सी, राइट आंसर हो गया। 45 में किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 46 में, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक है, तो ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत, बारी दो तो दो ही होगा। 48 में 1 + 10² तो हो जाएगा इसका 48 का बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा बी। 49 में से
कोसेक का स्क्वायर 57 माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 49 को हो जाएगा बी। 50 में है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आपको बी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा 43 में देखते हैं, 51 में देखते हैं, 51 का देखिए समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल के अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का डी 2:3। बिल्कुल राइट आंसर पूरा बना हुआ है, वीडियो लंबा होने के चलते डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। 52 का है, 52 में देखिए यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या हो जाएगा, 52 का हो गया आपको डी। 53 में y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये a हो गया x के समांतर। उसके बाद 54 में है निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश है, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी हो गया। 55 में यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये सूत्र है डायरेक्ट ये सी हो जाएगा। 56 में समांतर श्रेणी तो 7-12 का दसवां पद क्या होगा, 47 यानी सी होगा। 57 में समांतर श्रेणी 14 4 - 1 - 6 का एनवा पद होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों, कमेंट में बोलिए, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। 57 का हो गया। 58 देखिए समांतर श्रेणी 2712 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए। 55 में देखिए 59 में द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 a ≠ ≠ में x का मान क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। 60 में बिंदु 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी क्या होगा, तो 60 का हो जाएगा बी। 61 में देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय में संख्या नहीं है, तो इसका हो जाएगा डी। 62 में यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद के x² - 3x + 5 के संयोग हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो 62 का हो गया सी राइट आंसर। में स्थिति बना के देखिए, बना हुआ है सारा क्वेश्चन। 63 में बी होगा। 63 में दोस्तों x² - 1/6 - 2 के शून्यक होंगे, अब इसको कैसे बनाएगा, तो जैसे कि x² + 1/6 - 2 है तो सबका एलसीएम ले लोगे, यहाँ 0 = 0 तो ये 6 पूरा कट जाएगा, तो बच जाएगा 6x² - x + x - 2, तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा। यहाँ इस तरह से इसका शून्यक हो जाएगा, यहाँ बच 6 के 72 6x² - 9x - 8x = 12, तो इस तरह से आप बना के देखिए, थोड़ा सा हिंट्स दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 64 का, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 उनका मसा 19 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 114। 65 का, 65 में यदि बहुपद पी एक्स शून्यक x + 1 तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा, 65 के क्या हो जाएगा ए -1। 66 में देखिए समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखा है,
यानी इसका जो है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू इस तरह से बनेगा, सी वन बटे सी टू इस तरह से बना लोगे क्या आंसर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 66 का बी समांतर। सरसर में देखिए यदि ए टू पावर थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू बराबर और बी बराबर टू फाव फोर इंटू फाइव इंटू सेवन तब लस ए और बी हो जाएगा, यानी ये जो है एक मिनट, ये जो है इसका घात लेकर के ये सब का गुना हो जाएगा, एक तो इसमें बचेगा तीन तो सबका गुना कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1680 यानी कि डी। 68 में देखिए किसी द्विघात बहुपद के श्रेणी 5 एवं -3 होते द्विघात बहुपद होगा, तो यहाँ देखिए शून्य के बराबर शून्य को योग होता है अल्फा प्लस बीटा यानी 5 -3 बराबर 2 अल्फा, तो ये निकल गया कितना 2, अल्फा प्लस बीटा निकल गया 2 और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा तो 5 × 3 5 × 3 = 15 हो गया इस तरह से, एक तो निकला क्या 2 और दूसरा क्या निकला 15 निकला एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना माइनस अल्फा इंटू बीटा, अब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा के यहाँ 2 निकला प्लस माइनस यहाँ एक्स दे देंगे अल्फा इंटू बीटा का क्या निकला -15, तो ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी हो गया इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 69 में सर्वांतर क्या होगा, तो -10 नहीं -6 -10 -10 तो -10 + 10 -6 + 10 घट के हो गया 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें जो बनाइएगा सी होगा √2x + 3 वर्ग है ना, तो √3² तो ये कट जाएगा, तो ये मतलब सी है ना नहीं होगा द्विघात समीकरण। 71 में इतना का माध्यिका क्या है, यानी बीच में कौन जाएगा 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 बीच में कौन गया देख लीजिए 1, 2, 3 यानी ये 8, 7 गया 8, 7, 15 हो गया 15/2 है ना 8 + 7 तो 2 संख्या तो नीचे में 2 8, 7, 15 15/2 2 को भाग दिए 7.5 आ जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। अच्छा 72 में इतना तो 9 सबसे ज़्यादा बार आया है और तो कोई आया नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 73 में निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 में यदि किसी बारंबारता सारणी का माध 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक बराबर क्या होगा, तो बहुलक बराबर हम बताए थे सूत्र क्या होता है 3 माध्यिका + -2 माध, तो 3 × माध क्या दिया दिया है 9 - 2 × माध्यिका क्या हो गया माध 8.9 27 माइनस इसमें इतना घटाइएगा तो 9.2 आएगा। 75 में देखिए 75 में क्या है 19 और 25 का समांतर श्रेणी क्या होगा, तो 19 + 25 को जोड़ दीजिए बटे में 2 तो ये हो गया 44 44/2 22 × 44 यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। 76 किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता घटना हो या ना हो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 यानी कि
बी। 77 में देखते हैं, दो सिक्कों को उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगा डी। राइट आंसर हो गया डी, वहाँ भी टिक लग जाता है। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई क्या हो जाएगा, रूट थ्री गुनी हो तो 78 का हो गया सी, 60 डिग्री होगा या 16 डिग्री। उन्यासी, ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए बी क्या होगा। मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या 3 है, दूसरा 5 है, तो इसका लॉसक क्या होगा, तो 3 × 5 = 15 यानी ए गुना बी, तो क्या हो गया ए बी हो गया यानी सी। इनमें से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो जो एक से बड़ा हो वो नहीं हो सकता है। ये एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, ये बड़ा है, इसका कुछ निकलेगा 1.55 कुछ भी जो हो। अगला क्वेश्चन है 81, यानी इसका डी हो जाएगा, कितना का है 80 का डी। 81 में इतना 2.13113 ये हो जाएगा सी, अप्रिमेय संख्या। सा अभाज्य संख्या का मसक कितना होगा, तो 1। एक ऐसी संख्या है ना तो यौगिक है ना अभाज्य है ना यौगिक है। 83 में कह रहा है एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए, हम अगर यदि एम की जगह एक रखेंगे तो 4 × 4 + 2 = 6, यहाँ क्या पूछ रहा है, विषम संख्या पूछ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक रख देंगे बी के पास, यहाँ बी में देखिए एक रखने से 4 × 4 = 8, तो ये भी सम हो गया। यहाँ एक रखते हैं तो 4 × 5 = 5 होगा, 4 × 5। अगर दो भी रखेंगे तो 4 × 2 = 6 = 7, 3 रखते हैं 4 × 3 = 7 = 1, 4 × 3 = 12 = 13 है ना। 2 × 4 = 8 = 9 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 = 13 जोड़ने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो सी हो जाएगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है 1, बी हो जाएगा इसका। 85 में रैखिक 84, हाँ 85 में 2x² - 3x - 5 का शून्यक होगा, कितना होगा, -1 होगा। 86 भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि px (x^6) फिर gx में x^2, यानी कि x^6 और x^2 है क्या, ऊपर में p/g यानी x/x, तो ये जो है x/x जो है ये तो भाग के रूप में हो गया 6/2, तो मतलब कहने का मतलब 8वां में या 9वां में या 10वां में या 7वां में सब में बताए हैं इस तरह की घात वाली, तो 6/(x^2) तो ये घट जाता है यानी 6 में से 2 गया 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 87 में बहुपद 6x² - 11x + 3 का शून्यकों का योग क्या होगा, योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, बी का मान 11, ए का मान 6, तो ये हो गया डी। बना हुआ क्वेश्चन है पूरा 100% सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 88 में देखिए, 88 का क्या होगा, 88 में 2 चर xy रैखिक समीकरण x + by + c वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितना होगा, इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं।
x² 2x, इसका निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिए हैं आप लोग। इसका क्या होगा राइट आंसर 79 क्या ए हो जाएगा तृतीय हल। 90 में यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, तो ये होगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी या संपाती। 91 में देखिए इसका बनाना है, कैसे बनाओगे, 4 इतना इतना कमाते तो एक्स का मान ज्ञात करें, तो 4 + 5 + 9 + 11 + 11 / 1 / 3 / 4 = 5, तो टोटल कितना हो गया 29 + x, 5 × 9 = 18 एक्स और मान दिया है 7 है ना, तो 7 × 5 = 35, 35 - 29 एक्स बराबर कितना हो गया 6, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। 92 में देखिए यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 की मूल प्रकृति क्या होगी, 92 का हो जाएगा राइट आंसर बी, वास्तविक और बराबर। 93 में 3α = 90, तो sin अल्फा यानी 3α = 90 है, तो 3α = 90/3 ये ना भाग देंगे तो कितना होगा 30 या 90, ये 3 है नीचे में सॉरी, तो 90/3 भाग देंगे 30 यानी साइन की जगह 30, 37 डिग्री सी 1/2। 94 में sin 45 डिग्री + θ - cos θ, इसको इधर से लाएंगे फिर इधर दे आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 94 का सी हो जाएगा घटाने पर। रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना के हल क्या होंगे, 95 का है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 96 में देखिए ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और 36 cm त्रिज कट गया है, त्रिभुज DEF 49 सेमी है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर 6:8। 97 त्रिभुज ABC में भी समांतर BC इस तरह है कि AD/BD DB 3/5 यदि AC = 5.6 सेमी तब AE बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा 2.1 यानी 21 आता है इसका, तो अनुपात में हो जाएगा यानी 2:1 D। 99 cos 60 degree, cos 30 degree में 37 degree, 37 degree का मान क्या होगा, सबका मान बैठा देंगे यहाँ पर 1/1/√3/2 - √3/2 × 1/2, तो √3/4 - √3/4 यानी ये 0 घटने पर 0। समरैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या कितना होता है, चर की घातों की संख्या होता है x, और बहुत अच्छा क्वेश्चन गया हम लोग, ये मज़ा आ गया ये क्वेश्चन बनाने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो कमेंट कीजिएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ ठीक, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।